सबसे पहले तो मैं लद्दाख मैराथन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आज का जो ये जर्सी लॉन्चिंग सेरेमनी आज ये इंडोर स्टेडियम में हुआ है, उसमें हमारे ऑनरेबल सीसी साहब और डीसी साहब, एसपी मैडम और यूथ सर्विसेज के डायरेक्टर और बाकी स्टेक होल्डर्स और बाकी सब ने पार्टिसिपेट किया। तो आज यहाँ पे जर्सी का लॉन्च हो चुका है जो 10th एडिशन है लद्दाख मैराथन का, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इस साल जो है ये 10वां हमारा एडिशन है। तो इस बार हमारे पास लगभग 6000 के करीब टोटल हमारे रनर्स जो विद इन इंडिया या जो बाहर के कंट्रीज़ से आए हुए हैं, तो इसमें लगभग 27 कंट्रीज़ से इसमें पार्टिसिपेशन के लिए लोग आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से, जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं, और साथ ही साथ में इंडिया के हर स्टेट से, 3 स्टेट को छोड़ के हर स्टेट से इस मैराथन में डिफरेंट कैटेगरीज़ में लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये 7, 8, 9 और 10 सितंबर को होगा, तो 7 को हमारा खरदोंगला चैलेंज और हमारा ये सिल्क रूट अल्ट्रा का हमारा 7 तारीख को होगा, और उसके बाद फिर हमारा 8, 9, 10 को हमारा फुल मैराथन, हाफ मैराथन, फिर 11 किलोमीटर्स, फिर रन फॉर फन जो 5 किलोमीटर का रन है, तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और जितने भी यहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स हैं, सबका यही प्रयास रहेगा कि इस मैराथन को हम सक्सेसफुल बनाएं, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बाहर से आएंगे उनको यहाँ पे कंफर्टेबल स्टे देने की हम कोशिश करेंगे। और लोगों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि 7 तारीख के लिए अभी से लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि उसके लिए एक्लिमेटाइजेशन के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो लद्दाख मैराथन की वजह से एक लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हर कोई एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ में लद्दाख मैराथन की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म का जो फ्लो है वो काफ़ी बड़ा है। नहीं तो हमारा सितंबर ऑलमोस्ट ऑफ सीज़न होता था, तो इसमें काफ़ी सालों से सितंबर में भी हमारा काफ़ी लद्दाख मैराथन की वजह से टूरिज़्म का फ्लो जो है वो बड़ा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पार्टिसिपेंट के लिए पूरे फैमिली के साथ आते हैं उनको चेयर अप करने के लिए, और साथ ही साथ में उनका एक यहाँ पे एक टूर भी बन जाता है, साथ ही साथ में मैराथन में पार्टिसिपेशन भी हो जाता है। तो लद्दाख के टूरिज़्म को भी काफ़ी लद्दाख मैराथन की वजह से बूस्ट मिला है, और हमारे बाहर से जितने भी आते हैं या जितने भी हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है लद्दाख मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद जो हमारे अच्छे बच्चे यहाँ से निकल के आते हैं उनके लिए हम फिर दूसरे जगहों पे, जैसे मुंबई मैराथन हुआ या कोई भी हमारे इंडिया का टॉप मैराथन में पूरा स्पॉन्सर करके, हमारा रिमो एक्सपीडिशन जो इनका मेन ऑर्गेनाइज़र है, तो उनमें हम लोगों को या अपने जितने भी बच्चों को हम उसमें पूरा इनक्रेज करते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, लोगों को चेयर अप करें, और एक फ़िज़िकल फिटनेस के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी लद्दाख मैराथन का काफ़ी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है।